हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी एनवायरनमेंट की शंकर IAS की बुक की जो सीरीज़ थी उसका चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करने वाले थे कुछ मैमल्स के बारे में, क्रिटिकली जो इनडेंजर्ड है, जिसमें कि पहला आता है आपका पाइगमी हॉग, जिसे हम लोग पॉर्कुला सैल्वेनिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है वो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है ना। आप स्टोरी की तरह पूरी बात सुनिएगा बहुत अच्छे से, आई विल एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे इलैबोरेट करके स्लाइड्स नहीं बनाई हैं, क्योंकि ये एज एन शॉर्ट नोट रिवाइज करने के लिए आप लोगों के लिए हो जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये जो पाइगमी हॉग है ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है, जिसमें अडल्ट जो है उसका वेट आपको 8 kgs तक देखने को मिलेगा। ये जो स्पीशी है वो कंस्ट्रक्ट करता है नेस्ट पूरे ही साल, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर है ये मैनेजमेंट स्टेटस का ग्रासलैंड हैबिटेट में, मतलब ग्रासलैंड हैबिटेट का कैसा मैनेजमेंट स्टेटस है उसका ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर है। जो ग्रासलैंड है जहाँ पे आपको पाइगमी हॉग देखने को मिलेगा वो काफ़ी क्रूशियल है सर्वाइवल के लिए दूसरे इंजेंडर्ड स्पीशीज के लिए, जैसे कि इंडियन राइनोसोरस, सॉम डियर, वाइल्ड बफलो, हिस पिड हेयर, आपका बंगाल फ्लोरिकन और स्वाम्प फ्रैंकोलिन, ठीक है। 1996 में क्या हुआ कि कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम जो था स्पीशीज का उसे इनिशिएट करा गया आसाम में, और कुछ जो है हॉक्स को रीइंट्रोड्यूस करा गया सुनाई रुपाई एरिया में 2009 में। अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब टॉल तेरई ग्रासलैंड इनका जो है वो हैबिटेट होता है, कि मतलब अनडिस्टर्ब्ड हो और टॉल तेरई ग्रासलैंड हो। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इनके, तो फॉर्मली जो स्पीशीज होते हैं वो काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सदर्न हिमालयन फुटले हिल्स में, बट अब जो है ये रिस्ट्रिक्टेड हैं एक सिंगल रेमिनेंट पॉपुलेशन में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके कुछ बफर रिजर्व के पास में, मतलब यहीं पे आपको अब देखने को मिलेंगे, रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं ये। तो जो पाइगमी हॉग है, पाइगमी हॉग सकिंग लाउस, मतलब हेमाटोफिनस ओलिवेरी, ये एक पैरासाइट है जो कि फीड करता है सिर्फ और सिर्फ पाइगमी हॉग पे, है ना। और साथ ही साथ ये फॉल करता है सेम रिस्क कैटेगरी में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की, एज इट्स सर्वाइवल इज लिंक्ड टू दैट ऑफ होस्ट स्पीशी, क्योंकि ये देखिए ये पाइगमी हॉग के साथ ही रहता है, जिसका नाम है पाइगमी हॉग सकिंग लाउस, है ना, ये इसके साथ ही रहता है, इसलिए इसकी भी जो है वो सेम क्रिटिकली इंडेंजर्ड में फॉल करता है, क्योंकि कि इसी के और सिर्फ इसके साथ रहता है और इससे लिंक्ड है, इस वजह से अगर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा तो वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा। थ्रेट्स के बारे में बात करें तो जो मेन थ्रेट्स हैं वो हैं लॉस और डिग्रेडेशन जो ग्रासलैंड का हो रहा है उस वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है, कई ड्राई सीजन बर्निंग, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग या एफॉरेस्टेशन जो हो रहा है ग्रासलैंड का, और हंटिंग एक बहुत बड़ा थ्रेट है रेमिनेंट पॉपुलेशन में इनकी। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो अंडमान वाइट टूथ स्क्रू के बारे में बात करें, जिन्हें हम कहेंगे क्रोसीडूरा एंडमेनिस जेकिंस अंडमार स्पाइनी स्क्रू। तो जो क्रोसीडूरा जेकिनी ये आपका जेनकिसी है, और जो निकोबार वाइट टेल स्क्रू है, मतलब जिसे हम लोग क्रोसीडूरा निकोबारिका भी कहेंगे, ये एंडमिक है इंडिया के, ठीक है। ये क्रूशली सॉरी ये यूजुअली एक्टिव हैं बाय ट्विलाइट, या तो फिर रात में या ट्विलाइट में एक्टिव होते हैं, और उनके पास काफ़ी स्पेशलाइज हैबिटेट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है इनको। हैबिटेट की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेंगे लिटर लीफ लिटर में और रॉक क्रिवाइसिस में। देखिए कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अंडमान वाइट टूथ स्क्रू जो है आपको देखने को मिलेंगे माउंट हैरियट में, साउथ अंडमान आइलैंड में। जो जेकिंस अंडमान स्क्रू है ये आपको देखने को मिलेगा रेट मायो में और माउंट हैरियट में, साउथ अंडमान आइलैंड में। जो निकोबार वाइट टेल्ड स्क्रू है, मतलब क्रोशी डूरा ये जो निकोबारिका है, ये आपको देखने को मिलेंगे सदर्न टिप ऑफ ग्रेटर निकोबार आइलैंड में, और साथ ही साथ कई सारा एरिया ये कैंपिल बे का जो कैंपिल बे नेशनल पार्क का है टू गालाथिया रिवर अंडमान और निकोबार में, यहाँ पे भी आपको देखने को ये मिलेंगे। इनको प्रॉब्लम किस चीज़ से, देखिए इनका हैबिटेट जो है लूज कर रहा है सेलेक्टिव लॉगिंग की वजह से, या नेचुरल डिजास्टर जैसे कि सुनामी वगैरह, या ड्रास्टिक वेदर चेंज जो हुआ जा रहा है उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तीसरे के बारे में बात करें तो ये है कोंडाना रैट, ठीक है, जिसे हम लोग मिलार्डिया कोंडाना के नाम से भी जानते हैं। ये एक नॉकटर्नल, मतलब रात में
जगने वाला बर्रोइंग रोडेंट है ना, ये सिर्फ मिलता है इंडिया में ही, और ये कभी कभी जो है अपने नेस्ट वगैरह भी बिल्ड करता है ना, ये समटाइम जाना जाता है अपने नेस्ट बिल्ड करने की वजह से, ठीक है। अच्छा, कहाँ रहता है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल श्रब में आपको ये देखने को मिलेगा, और जो है ये सिर्फ जो है और स्मॉल सिन्हागण प्लेटू जो करीब पुणे के पास है महाराष्ट्र में, वहाँ आपको देखने को मिलेगा, और रिपोर्ट करा गया है करीब 1270 एलिवेशन मीटर के ऊपर पर जो है वो आपको सी लेवल के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। इसको प्रॉब्लम किस चीज से है? तो कई सारा थ्रेट इसका जो है वो हैबिटेट इसका लॉस हो गया है, कई ओवर ग्रेजिंग हो गई, वेजिटेशन किया डिस्टरबेंस हुआ है सुनामी से या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज से इसको प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद बात करते हैं द लार्ज रॉक रैट और एल्वीरा रैट, है ना, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं क्रेमनॉमस एल्वीरा के नाम से भी। तो ये मीडियम साइज नॉकटर्नल और बरोइंग रोडेंट है ना, मतलब बरो बनाता है, और ये इंडिया में ही एंडेमिक है। कहाँ रहता है? रहता है ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियर शब लैंड फॉरेस्ट में, जो कि रॉकी एरियाज में देखने को आपको मिलेगी। अब कहाँ कहाँ इसका हैबिटेट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, ये जाना जाता है ईस्टर्न घाट्स तमिलनाडु में, फिर आपका जो है और मिला है करीब सी लेवल से 600 मीटर के ऊपर के एलिवेशन पे आपको देखने को मिलेगा। इसको दिक्कत किस चीज से है? कई सारा इसका हैबिटेट लॉस हो गया है, और जो कंजर्वेशन है फॉरेस्ट का, फ्यूल वुड वगैरह कलेक्शन का, इस वजह से इसको काफी थ्रेट पहुंच रहा है। उसके बारे में बात करें, नेक्स्ट के बारे में बात करें, तो नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल, नाम दफा अभी न्यूज में भी रही थी, नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल, जिसे हम लोग विश्व योप टेरेस बिश्वाई के नाम से भी जानते हैं। तो एक यूनिक है, मतलब ये इसकी जीनियस जीनस है कि मतलब ये यूनिक फ्लाइंग स्क्वायरल है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है एक सिंगल वैली में, नाम दफा या तो फिर WLS में, अरुणाचल प्रदेश में ना, आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। हैबिटेट जो है इसका फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगी, और ये सिर्फ नाम दफा टाइगर रिजर्व में मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और थ्रेट इसको क्यों है? क्योंकि इसको जो है वो हंट करा जाता है फूड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बढ़े मालाबार सिवेट की तरफ, मालाबार सिवेट की तरफ, जिसे हम लोग विवेरा सिवेटिना के नाम से भी जानते हैं। ये वर्ल्ड का रेयरेस्ट मैमल है, ये वर्ल्ड का कंसिडर किया जाता है कि रेयरेस्ट मैमल है, और ये इंडिया में एंडेमिक है, और ये पहली बार रिपोर्ट करा गया था त्रावणकोर केरला से। ये एक नॉकटर्नल है अपने नेचर में, मतलब रात में जगने वाला है, और मिलता है एक्सक्लूसिवली वेस्टर्न घाट्स में। वुडन प्लेन्स और हिल स्लोप जो एवरग्रीन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट के हैं, वहाँ ये आपको देखने को मिलेगा, और ज्यादातर वेस्टर्न घाट्स में ये पाया जाता है। इसको प्रॉब्लम है, इसको थ्रेट पहुंच रहा है डिफॉरेस्टेशन और कमर्शियल प्लांटेशन की वजह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है सुमात्रन राइनोसोरस डाइसॉर, आपका इसे कहेंगे डाइसॉरहिनस सुमेत्रिनिस, है ना, इसका बायोलॉजिकल नेम है। ये कि स्मॉलेस्ट और मोस्ट इंडेंजर्ड है 5 राइनोसोरस स्पीशी में। क्या नाम है इनका? सुमात्रन राइनोसोरस। ये अभी जो है माना जाता है कि रीजनली एक्सटेंट हो गया है हमारे इंडिया में, दो ये एक बार जो है पहले कभी अकर होता था फुट हिल्स में हिमालयास की और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। अभी आपको इंडिया में कौन से राइनोसोरस मिलेंगे? वन हॉर्न राइनोसोरस, है ना। तो जवन राइनोसोरस है, राइनोसोरस सॉन्डेकस जिसे कहते हैं, ये जाना जाता है कि ये भी एक्सटिंक्ट हो गया है इंडिया से, और इसका कुछ स्मॉल नंबर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है जावा और वियतनाम में, ठीक है। तो तीन तरह के राइनोसोरस हो गए हमने बात करी, एक तो हम वन हॉर्न जो कि हमारे इंडिया में है ही है, सुमात्रन और जावन, ठीक है। फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कश्मीर स्टैग हैंगुल सर्वस एल्फस हैंगलू। तो ये एक सब स्पीशी है रेड डियर की, जो कि हमारे इंडिया में नेटिव है। कहाँ रहती है? काफी डेंस रिवराइन फॉरेस्ट में, हाई वैलीज में और माउंटेन्स में, कश्मीर वैली के और नॉर्थ चंबा में हिमाचल प्रदेश में। ये स्टेट एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का। देखिए क्या नाम है इसका? कश्मीर स्टैग। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से इसको काफी प्रॉब्लम हो रही है, जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक की वजह से उसमें भी उसको काफी प्रॉब्लम हो रही है, और पोचिंग की वजह से भी इसको काफी दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मरीन मैमल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला हमने देखा फ्रेश वाटर या रिवर राइन डॉल्फिन के बारे में बात करेंगे। तो कहाँ रहती है? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, और ये दो सब स्पीशीज में जो है वो स्प्लिट है, एक गंजस रिवर डॉल्फिन मतलब गंगा में जो रहती है, और दूसरी इंडस रिवर डॉल्फिन जो कि इंडस रिवर में आपको देखने को मिलेगी, तभी तो ये इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में मिलती है। अब हमने देख ली एक गंगा और एक रिवर, तब गंगा की बात करें, गंगा रिवर डॉल्फिन की बात करें, तो ये आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स में मिलेंगी, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनके ट्रिब्यूटरीज में जो बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल में है उनमें देखने को मिलेगा।
अब जो गंगा की ये रिवर डॉल्फिन है ये रिकॉग्नाइज करी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। अब रिवर इंडस की डॉल्फिन की बात करें तो ये हैबिटेट कहाँ है इनका, ये आपको इंडस रिवर में पाकिस्तान में और उसकी जो ब्यास और सतलज ट्रिब्यूटरीज है उसमें देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए हम हर्बीवोर्स मरीन मैमल्स के बारे में, तो ये इंक्लूड करते हैं ड्यूगोंग और मैनेटीज, और ये जो है इनहैबिट करते हैं स्वैम्स को, रिवर्स को, एस्चुरीज को, मरीन वेटलैंड्स को और कोस्टल मरीन वाटर्स को। उसके बाद देखिए डुगोंग की बात करें तो डुगोंग को हम लोग सी काउ के नाम से भी जानते हैं, डुगोंग या दुगाओं भी कह सकते हैं। स्टेटस क्या है कि ये वल्नरेबल है और थ्रेट इनको काहे से है, इनको हंटिंग करी जाती है मीट और ऑयल की वजह से, इनका हैबिटेट भी डिग्रेड हो रहा है और फिशिंग रिलेटेड कुछ भी फेटेलिटीज इनमें है। उसके बाद देखिए मैनेटीज के बारे में बात कर लें कुछ, तो मतलब कैरेबियन सी में, गल्फ ऑफ मेक्सिको, आपका अमेजॉन बेसिन और वेस्ट अफ्रीका में ये पाई जाती हैं, और इनको प्रॉब्लम है कोस्टल डेवलपमेंट जो हो रहा है रेड टाइड और हंटिंग की वजह से इनको बहुत सारी दिक्कत झेलने को मिल रही है। तो हमने यहाँ पे बात कर ली हर्बीवोर्स मरीन एनिमल के बारे में भी। फिर कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात करें तो पहला है एग लेइंग मैमल्स के बारे में बात करेंगे, तो ये यूनिक जो फीचर है मोनोट्रिमस का, मतलब एक सब डिवीजन जो है मैमल की है ना, वो ये है कि जो मोनोट्रिमस होते हैं वो अंडे अंडे देते हैं। आपको पता है मैमल जो है वो यंग बर्थ को गिव देते हैं, मतलब बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक मैमल का एक सब डिवीजन है जिसको हम लोग मोनोट्रिमस के नाम से जानते हैं, उस वो जो है वो इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ वो एग्स देता है। ये ओनली 5 लिविंग मोनोट्रिमस हैं जो एग लेइंग मैमल्स स्पीशीज है ना। कौन कौन से एग लेइंग मैमल स्पीशीज होते हैं देखिए जरा, एक डग बिल्ड प्लेटिपस, फिर 4 स्पीशीज जो स्पाइनी एंटलर्स के, जिसे हम लोग एक्टिना के नाम से भी जानते हैं, ECHIDNA एक्टिना के नाम से भी जानते हैं, ये सारे सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, 2 जगह पे मिलते हैं। उसके बाद देखिए जो एक्निडाज है ना, ये वाला एक्निडाज जो है वो जाने जाते हैं एज स्पाइनी एंट ईटर्स, ये कहाँ रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया में आपको देखने को मिलेंगे। एक्निडाज जो है जो एग इसमें क्या होता है, एक्निडाज में क्या होता है कि एग जो है वो कैरी करा जाता है एक पाउच में फीमेल के बेली में, अंटिल जो है यंग जो बच्चा है वो हैच ना हो जाए, एट विच पॉइंट द बार्ले डेवलप यंग मस्ट फाइंड अ मार्मरी ग्रैंड एंड लैच ऑन टू इट फॉर नरिशमेंट, ठीक है, इसमें ये डेवलप होता है, उसके बाद ही नरिशमेंट के लिए उन्हीं की जो है वो वही बेली वाला जो पार्ट होता है उसमें ये डेवलप होता रहता है और एक मार्मरी ग्लैंड पाता है और फिर लैच होता है इनटू इट्स नरिशमेंट। उसके बाद देखें प्लैटिपस इज अ सेमी एक्वेटिक मैमल के बारे में बात करें तो इनका कहाँ पाए जाते हैं, ये एंडेमिक है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इंक्लूडिंग तास्मेनिया। अच्छा प्लैटिपस में क्या होता है, फीमेल जो है वो रिटायर हो जाती है बरों में, वापस बरों में चली जाती है जो इन द बैंक ऑफ रिवर और पॉन्ड जो उसने बनाई होती है, रिवर के बैंक के पास में पॉन्ड या बैंक के रिवर पॉन्ड या रिवर के बैंक के पास में जो उसने अपना बरो बनाया होता है उसमें वापस जो चली जाती है। जो बरो होती है वो लाइंड होती है एक ड्राई वेजिटेशन से एंड वहां पे जो है वो एग ले, ये जो फीमेल होती है वो एग ले करती है। जो मेल प्लेटिपस होता है वो उसके पास जो है वेनम स्ट्रांग, उसका जो वेनम होता है जो जहर होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो किल कर सकता है एक छोटे कुत्ते को, एक स्मॉल डॉग को भी, या फिर जो है कॉज कर सकता है बहुत ही जबरदस्त पेन ह्यूमंस में, ठीक है। उसके बाद हम मार्शोपियल्स के बारे में बात करें तो मार्शोपियल्स एक ग्रुप है मैमल्स का जो कॉमनली जो है माना जाता है कि ये एक पाउच्ड मैमल है, मतलब जैसे कि वेलेबी या कैंगरू वगैरह होते हैं ना, इनके पास पाउच होता है, ऐसे ही जो है ये ग्रुप मैमल्स का होता है जो कॉमनली माना जाता है कि पाउच्ड मैमल्स होते हैं, जैसे कि कैंगरू वगैरह है ना, वेलेबी वगैरह, तो ये मार्शोपियल्स कहलाते हैं। मार्शोपियल जो मैमल्स होते हैं उनके पास प्लासेंटा होता है बट ये काफी शॉर्ट लिव्ड होता है और ये बना नहीं पाता, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाता फीटल के नरिशमेंट में। अच्छा ये बर्थ देते हैं बहुत ही जल्दी और जो यंग एनिमल होता है वो असेंशियली हेल्पलेस एम्ब्रियो होता है, क्लाइम करता है अपनी मदर के बर्थ कनाल से निपल्स तक है ना, जम करके जाता है दूध पीने के लिए। अच्छा यहाँ पे जो ये ग्रैब करता है ऑन इट्स माउथ एंड कंटिन्यू करता है डेवलप करना, ऑफन वीक के लिए, मंथ के लिए, और डिपेंड करता है स्पीशीज पे कितने टाइम तक के लिए वो डेवलप करता है। अच्छा इनके पास कोई भी लॉन्ग जेस्टेशन टाइम नहीं होता जैसे कि प्लासेंटन मैमल्स के पास होता है। जो शॉर्ट जेस्टेशन टाइम होता है ये होता है क्योंकि जो है इनके पास यॉर्क टाइप प्लासेंटा होता है मदर मार्शोपियल में, इस वजह से। अच्छा एक्सटेंट के बारे में बात करें तो
मार्शुपियल क्वागा जो है वो एक्सटेंट हो गया है और मार्शुपियल वोल्फ भी एक्सटेंट हो गया है ना, मतलब अब नहीं रहा यहाँ पे दुनिया में। प्लासेंटा मैमल्स ऑल बियर लिव यंग विच आर नरिश्ड बिफोर बर्थ इन द मदर्स यूट्रस थ्रू अ स्पेशलाइज एम्ब्रियोनिक ऑर्गेन अटैच टू द यूट्रस वॉल प्लासेंटा। ठीक है, ये किस तरह से रहते हैं कि इनका जो है वो मदर के यूट्रस से जो है वो एक स्पेशलाइज एम्ब्रियोनिक ऑर्गेन अटैच होती है यूट्रस से, जिसे हम लोग प्लासेंटा कहते हैं ना। अच्छा, प्लासेंटल जो मैमल्स होते हैं वो नरिश करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को यूज करके मदर का ब्लड सप्लाई और अलाउ करते हैं उनको लॉन्गर जेस्टेशन टाइम। उसके बाद देखिए बर्ड्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बारे में बात करें तो पहली बर्ड है जर्डन्स कोर्सर। तो एक नॉकटर्नल बर्ड है जो मिलती है आपको नदन पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में पेनिनसुलर इंडिया में। ये एक फ्लैगशिप स्पीशी है एक्सट्रीमली थ्रेटेंड स्क्रब जंगल की। जो स्पीशीज है वो कंसिडर करी गई है कि वो एक्सटेंट हो गई है अनलेस इनको फिर से रीडिस्कवर करा गया था 1986 में, और एरिया जो था रीडिस्कवरी का उसे सब्सिक्वेंटली डिक्लेयर कर दिया गया था श्री लंकमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से। अच्छा, ये कहाँ देखने को मिलती है? ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड स्क्रब जंगल में मिलती है जिनमें ओपन एरियाज हों, अच्छे खासे खुले मैदान में, मतलब खुले जंगल्स में। डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखेगा जर्डन्स कोरियर, ये जो है ये एंडेमिक है आंध्र प्रदेश में ही। अच्छा, इसको थ्रेट किस किस चीज से पहुंच सकता है? जो क्लियर हो रहा है स्क्रब जंगल का है ना, क्लियर हो रहा है जो स्क्रब जंगल का जो क्रिएशन हो रहा है नए नए पैस्चर्स का, जो ड्राई और लैंड क्रॉप्स बढ़ रहे हैं, इलीगल ट्रैपिंग हो रही है बर्ड्स की, प्लांटेशन हो रहा है एग्जॉटिक ट्रीज का, और कॉरिंग और कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है रिवर कनाल्स का, उस वजह से इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फिर देखिए फॉरेस्ट आउलेट के बारे में बात करें तो जो है ये लॉस्ट हो गया था एक सेंचुरी के लिए है ना, जब तक के लिए 113 लॉन्ग ईयर्स के लिए गायब रहा। आउलेट को फिर से डिस्कवर करा गया 1997 में और रीअपियर्ड हुआ ये लिस्ट में इंडियन बर्ड्स की। ये कहाँ मिलता है देखने को? ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा और ये साउथ मध्य प्रदेश में नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र और नॉर्थ सेंट्रल महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। इसको प्रॉब्लम है, ये थ्रेट पहुंचता है इसको लॉगिंग ऑपरेशन से, बर्निंग या कटिंग से ट्रीज की, डैमेज करके रूस्टिंग या नेस्टिंग जो ट्रीज हैं फॉरेस्ट आउटलेट की, उस वजह से इसको बहुत प्रॉब्लम है। फिर देखिए व्हाइट बिल्ड हेरॉन की बात करें तो एक्सट्रीमली रेयर बर्ड है जो कि आपको 5 से 6 साइट्स में मिलेगी आसाम और अरुणाचल प्रदेश में, या 1 से 2 साइट आपको भूटान और कुछ म्यांमार में भी देखने को मिल सकती है। ये रिवर्स में रहते हैं जिसमें सैंड या ग्रेवल बार्स हो या इनलैंड लेक्स हो, और ये आपको भूटान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेंगे और लिटिल हिल्स में आपको बांग्लादेश में या नॉर्थ म्यांमार में भी देखने को मिल सकते हैं। इनको थ्रेट है लॉस जो उनका हो रहा है, डिग्रेडेशन है जो लो लैंड फॉरेस्ट का उस वजह से, और वेटलैंड जो थ्रू डायरेक्ट एक्सप्लोटेशन से गुजर रही है, और डिस्टर्बेंस जो हो रहा है ह्यूमंस के द्वारा, इस वजह से इनको बहुत थ्रेट पहुंच रहा है। फिर अगर हम बंगाल फ्लोरिकन के बारे में बात करें तो एक रेयर बस्टर्ड स्पीशीज है जो काफी ज्यादा अच्छे से जानी गई है अपने मेटिंग डांस की वजह से। तो सारी ट्रॉल ग्लासलैंड के साथ साथ एक सीक्रेटिव मेल्स और एडवर्स जो मतलब सारे आपका ग्रासलैंड में जो सीक्रेटिव मेल्स एडवर्टाइज करते हैं इनकी टेरिटरीज को स्प्रिंग करके फ्रॉम द ग्राउंड एंड फ्लिटर करके टू एंड फ्रो एयर में। कहाँ रहते हैं ये लोग? ग्रासलैंड ओकेजनली जहाँ पे जो हों इंटरस्प्रेड विद श्रब स्क्रब ब्लैंड्स है ना, तो यहाँ पे जो है आपको ये देखने को मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सिर्फ 3 कंट्रीज में है पूरे वर्ल्ड में, कैम्बोडिया इंडिया और नेपाल में। इंडिया में ये होती है 3 स्टेट में, मेनली उत्तर प्रदेश आसाम और अरुणाचल प्रदेश। इनको थ्रेट जो है वो पहुंच रहा है वो ऑनगोइंग जो कन्वर्जन हो रहा है बर्ड के ग्रासलैंड हैबिटेट का कई सारे पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चर हो या कुछ भी हो, ये इनके पॉपुलेशन के डिक्लाइन का कारण है। उसके बाद देखिए जरा हम बात करेंगे हिमालयन कॉयल के बारे में। तो ये एक प्रीअज्यूम्ड है, ये इसे इसे प्रीअज्यूम करा गया था कि ये एक्सटेंट हो गया है, जब तक के लिए कोई रिलायबल रिकॉर्ड नहीं मिले थे इसकी साइटिंग्स के, स्पीशीज के, वो मिले आपको 1876 के बाद। तो इंटेंसिव जो सर्वेज थे उनकी ज़रूरत थी क्योंकि ये जो स्पीशी था वो काफ़ी हार्ड था डिटेक्ट करना अपनी, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स रिलक्टेंस टू फ्लाई एंड इट्स प्रेफरेंस फॉर डेंस ग्रास हैबिटेट, काफ़ी डेंस ग्रास हैबिटेट में रहता था और इस वजह से जो है इसको इसका सर्वे करना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था। इसका बहुत ही पॉसिबल जो साइटिंग थी इस स्पीशी की वो रिपोर्ट करी गई नैनीताल में 2003 में। हैबिटेट की बात करें तो काफ़ी टॉल ग्रास और श्रब जो है स्टीप हिल साइड्स में इसका हैबिटेट है और ये वेस्टर्न हिमालयाज में आपको देखने को मिलता है। अच्छा, इसको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कि इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग हो रही है कॉलोनियल पीरियड में इसकी हुई थी अलॉन्ग विद हैबिटेट मॉडिफिकेशन।
बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखें क्या है। पिंक हेडेड डक के बारे में बात करें तो ये जो है वो ना ही सिर्फ कॉन्क्लूसिवली रिकॉर्ड करी गई इंडिया में 1949 में, है ना, सॉरी ये 1949 के बाद से रिकॉर्ड नहीं करी गई इंडिया में। मेल जो है उनके पास डीप पिंक हेड होता है और नेक होता है फ्रॉम विच जो बर्ड जो है अपना डिराइव करती है नेम। ठीक है, मेल्स हैव अ डीप पिंक हेड एंड नेक फ्रॉम विच द बर्ड डिराइव इट्स नेम। मेल जो होते हैं इसके, इसमें इनका जो है काफी डीप पिंक हेड होता है और नेक इनकी पिंक होती है, इस वजह से इनका नाम रखा गया है पिंक हेडेड डक। बात क्लियर है। ये आपको ओवरग्रोन स्टिल पॉन्ड पूल्स में दिखेंगे, मार्शेस और स्वाम्प में भी दिखेंगे, लो लैंड फॉरेस्ट में और टॉल ग्रासलैंड में। डिस्ट्रीब्यूशन देखें अगर तो रिकॉर्ड करी गई इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार में। मैक्सिमम जो रिकॉर्ड्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से देखने को मिले हैं। थ्रेड देखिए तो वेटलैंड डिग्रेडेशन जो हुआ, लॉस हुआ हैबिटेट का, और साथ ही साथ जो हंटिंग हुई वो काफी मेन कॉजेज रहे इनके डिक्लाइन के। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सोशेबल लैपविंग वेनिलस ग्रिगेरियस के बारे में बात करें तो एक विंटर माइग्रेंट है इंडिया में। ये स्पीशीज जो है वो सफर करी गई है, ये सफर कर रही है एक सडन और रैपिड पॉपुलेशन का डिक्लाइन, क्योंकि जो है इसमें लिस्ट इस वजह से इसको जो है लिस्ट करा गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के तौर पे, कि आपको देखने को मिलेगी फैलो फील्ड्स या फिर स्क्रब डेजर्ट में। और ये सेंट्रल एशिया, एशिया माइनर, रशिया, इजिप्ट, इंडिया, पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगी। इंडिया में इसका जो हैबिटेट है वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड है नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में हमारी कंट्री के, मतलब आप समझ रहे हो ना, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में ही आपको स्क्रब डेजर्ट या फैलो फील्ड देखने को मिलेगी, खाली मैदान। थ्रेड्स के पहुंच रहा है जो कन्वर्जन हो रहा है इनके हैबिटेट का अरेबियन लैंड में। इलीगल हंटिंग और प्रॉक्सिमिटी ह्यूमन सेटलमेंट की इसके थ्रेड का कारण है ना। अब देखिए स्पून बिल्ड सैंड पाइपर की बात करें तो ये रिक्वायर कर रहा है हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रीडिंग हैबिटेट। एक जो कॉन्स्ट्रेंट है वो ये है कि ऑलवेज रखा, हमेशा रखा गया अपनी इसकी पॉपुलेशन को स्कार, मतलब अ कॉन्स्ट्रेंट दैट हैज ऑलवेज, आई एम सो सॉरी, काफी इसमें जरूरत पड़ती है काफी स्पेशलाइज्ड ब्रीडिंग हैबिटेट की, इस वजह से इसकी पॉपुलेशन काफी कम है। अच्छा, इंडिया में इसका जो घर है वो कुछ मतलब इंडिया में क्या है, इंडिया इसका घर है कुछ लास्ट एग्जिस्टिंग विंटरिंग ग्राउंड्स का इस स्पीशी का। हैबिटेट देखिए तो कोस्टल एरियाज जिसमें स्पार्स वेजिटेशन हो, कोई भी जो ब्रीडिंग जो है रिकॉर्ड नहीं पाए गए हैं फर्दर इनलैंड देन 7 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी शोर। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिकॉर्ड करा गया था वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला और तमिलनाडु में। इसको थ्रेट क्यों पहुंचा, क्योंकि हैबिटेट डिग्रेडेट हुआ, लैंड रिक्लेमेशन, ह्यूमन डिस्टरबेंस की वजह से भी इसको काफी प्रॉब्लम हुई इसके नेस्ट डिसर्शन में। अच्छा नेक्स्ट देखिए साइबेरियन क्रेन के बारे में बात करें तो ये एक लार्ज स्ट्राइकिंग मेजेस्टिक माइग्रेटरी बर्ड है जो ब्रीड करती है विंटर्स में हमारे वेटलैंड्स में। ये जानी जाती है विंटर्स में कियोलादो नेशनल पार्क में, राजस्थान में आती है जो। हाउएवर जो लास्ट डॉक्यूमेंट करा गया था इस बर्ड का वो 2002 में करा गया था, मतलब जो लास्ट साइट करा गया था इसको, ये आपको वेटलैंड एरियाज में देखने को मिलेगी और कियोलादो नेशनल पार्क राजस्थान में देखने को मिली थी इसका डिस्ट्रीब्यूशन। इसको प्रॉब्लम क्यों हुआ, पेस्टिसाइड पोल्यूशन की वजह से वेटलैंड ड्रेनेज डेवलपमेंट जो हुआ प्राइम हैबिटेट का एग्रीकल्चरल फील्ड में, और साथ ही साथ कुछ हंटिंग भी इसका कुछ एक्सटेंट तक कारण है। कोरल्स के बारे में बात करते हैं। चलिए तो कोरल्स हमने बहुत डीपली अपने लास्ट चैप्टर्स में बताया है, ठीक, होते क्या है कोरल्स। अब फायर कोरल्स के बारे में बात करें तो ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है जेली फिश से, कोरल्स से ज्यादा, है ना, ये काफी क्लोजली रिलेटेड है जेली फिश से, कोरल्स से ज्यादा ये आपको देखने को मिलेंगे फायर कोरल्स जेली फिश से रिलेटेड। अच्छा, कॉन्टैक्ट में एक जो है यूजुअली फील करता है बर्निंग सेंसेशन सिमिलर जैसे कि स्टिंग करती है जेली फिश, है ना, वैसे ही जो है वो ये यहाँ पे भी आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगा अगर आप इसके कॉन्टैक्ट में आओगे तो। ये आपको जनरली देखने को मिलेंगे मस्की इनशोर वाटर्स में और डिस्प्ले करते हैं टॉलरेंस सिल्टेशन के प्रति। ये ऑफन आपको देखने को मिलेंगे क्लियर ऑफशोर साइट्स में भी। डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इंडोनेशिया, गल्फ ऑफ चिरिक्वी, पनामा, पैसिफिक प्रोविंस, पॉसिबली एक्सटेंट है ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, इंडोनेशिया, मलेशिया, पनामा, सिंगापुर और थाईलैंड से। इसको थ्रेट क्यों पहुंचा, क्योंकि जो कलेक्ट करेगा ये डेकोरेशन और ज्वेलरी ट्रेड के लिए, ये जो ग्रुप है वो सेंसिटिव है टेम्परेचर की राइज से, और ये माना जाता है ये कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड हो गया है कई सारी मेजर मतलब मेजॉरिटी में मरीन एरियाज में, क्योंकि जो है काफी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ब्लीचिंग इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बर्ड्स माइग्रेशन के बारे में बात करें हम कुछ बात, तो
माइग्रेशन होता क्या है? माइग्रेशन का मतलब हो गया इरेगुलर या रिकरेंट साइकिल सीजनल मूवमेंट बर्ड्स का, है ना, जो मतलब जो सीजनल मूवमेंट होता है बर्ड का एक जगह से दूसरी जगह में। जो डिस्टेंस होता है माइग्रेशन का वो शॉर्ट डिस्टेंस हो सकता है और थाउजेंड किलोमीटर तक का भी हो सकता है। एंड ऑफ द पीरियड में बर्ड जो है क्या होता है कि बर्ड जो है वो इवेंचुअली रिटर्न कर जाती है अपने ओरिजिनल प्लेस में। अब देखिए पहला क्या है, रीजंस क्या होते हैं माइग्रेशन के। अवॉइड करने के लिए एडवर्स फैक्टर जैसे कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, मैनेज करने के लिए फूड शॉर्टेज या मैनेज करने के लिए पानी की शॉर्टेज, है ना, ताकि और या तो फिर बेटर ब्रीडिंग कंडीशंस के लिए भी और लेस कंपटीशन सेफ नेस्टिंग प्लेसेस के लिए। अब माइग्रेटरी बर्ड देखिए इंडिया के, हम कुछ इस बारे में बात कर लें, जैसे कि विंटर में कौन आती है, साइबेरियन क्रेन्स, है ना, फिर आपका ग्रेटर फ्लैमिंगो, कॉमन टील, येलो वैंगटेल, ऐसी बहुत सारी बर्ड्स हैं। और समर में ऐसे कुछ एग्जाम्पल दें तो एशियन कोयल, ब्लैक आपका क्रोन, नाइट हेरोन वगैरह कई सारी हैं। अच्छा अब देखें, ये हमने माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में भी बात कर ली। फिर देखिए वाइल्ड लाइफ डिजीज के बारे में कुछ बात करते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो है माइक्रोबैक्टीरियम स्प, है ना, एनिमल जैसे कि डियर, कैट, प्रीमेट्स और एलिफेंट के एनिमल हैं सस्पेक्टेबल जो हैं। फिर डिजीज जैसे आर्थराक्स, आर्थराक्स जो डिजीज है उसका कैजुअल जो ऑर्गेनिज्म है वो है बैसिलिस आर्थ्रासिस, और एनिमल जो सस्पेक्टेबल हैं वो है गौर, चीतल, वाइल्ड पिग, बार्किंग डियर वगैरह। फिर रेबीज आपका रेबीज वायरस से होता है, फुट और माउथ डिजीज पी सॉरी FMD वायरस से होता है, रिंडर पेस्ट आपका माइक्रोबिली वायरस से होता है, ट्राई पेनोमेस पेनो आई एम सो सॉरी ट्राई पेनोसोमिया जो है वो ट्राई पेनोसोमिया वायरस से होता है, मतलब जो डिजीज जो एनिमल आपका सस्पेक्टेबल है वो है टाइगर, एलिफेंट, सांभर, मकाओ वगैरह। फिर आखिरी में टैक्सोफ्लामोसिस, ये टैक्सोप्लास्मा गोंडी से होता है। अब स्पीश के डिस्टिंक्शन, स्पीश डिस्टिंक्शन के बारे में बात कर ले तो देखिए सॉरी एक्सटेंशन के बारे में बात कर ले, एक्सटेंशन जो है वो होता है कई सारे प्रोसेस से, जैसे कि डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस जिसका कॉज क्या होता है और अफेक्ट, मतलब जिसका कॉज और अफेक्ट होता है, जैसे कि ग्लेशिएशंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस सच एज डिफॉरेस्टेशन, मतलब आप समझ रहे हैं एक्सटेंशन के कारण बहुत सारे हैं। पहला जैसे समझ लीजिए एक्सटेंशन का क्या कारण हो जाएगा कि जैसे कि डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस जिसका कॉज और अफेक्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए कि डिफॉरेस्टेशन आपने करा तो वहां से उस वजह से स्पीशीज एक्सटेंट होगा क्योंकि उनका आपने हैबिटेट ही छीन लिया, ठीक है। और सेकेंड आपका होता है स्टोक कैस्टिक प्रोसेस, है ना, चांस एंड रैंडम इवेंट्स जो अफेक्ट करते हैं सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल्स का। एग्जाम्पल बात करें तो जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो जाते हैं वेदर पैटर्न्स के, जो डिक्रीज हो जाता है फूड की सप्लाई में, डिजीज में इंक्रीज होता है जो कॉम्पिटिटर्स में, प्रेडेटर्स में या पैरासाइट वगैरह में, है ना, जो एक्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली या एड कर सकते हैं एक डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, ठीक है। फिर तीसरा कारण क्या होता है कि इम्पैक्ट होता है इन सारे प्रोसेसेस का, है ना, ये इसका कोर्स डिपेंड करता है साइज और डिग्री पे जेनेटिक डाइवर्सिटी की और रेजिलियंस पे पॉपुलेशन की, जो ट्रेट्स होते हैं जो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं या इंक्रीज होते हैं जो स्पीशीज के वल्नरेबिलिटी के एक्सटेंशन के प्रति, वो होते हैं इनका हैबिटेट जो फ्रेगमेंटेशन होता है, वो आइडेंटिफाई करा गया है कि भाई हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से कई सारे एक्सटेंशन टेक्स प्लेस होता है, जैसे कि दीज आर रेयरली या लो अबंडेंस, पुअर डिस्पर्शन एबिलिटी, इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, अनस्टेबल पॉपुलेशन। अच्छा उसके बाद हाई ट्रॉफिक स्टेटस के बारे में बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं हायर ट्रॉफिक लेवल, इसका मतलब जैसे कि पोजिशन जो स्पीशीज की फूड चेन में ज्यादा ऊपर होती है ना, यूजली इनके पास जो है वो स्मॉलर पॉपुलेशन होती है उनके कंपेरिजन में जिनका लोअर लेवल होता है। एग्जाम्पल मतलब कार्निवोलस जो है आपको कम दिखेंगे हर्बीवोर से, है ना, आप समझ रहे हो ना, जैसे कि अब लायन वगैरह आपको कम दिखेंगे अगर आप कंपेयर करोगे किसी रैबिट वगैरह से, तो है ना, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये कम होते हैं जो ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल के जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद लो अडल्ट सर्वाइवल रेट्स, लो इंट्रेंसिक रेट पॉपुलेशन इंक्रीज, फिर बॉडी साइज, फर्टिलिटी और डाइटरी स्पेशलाइजेशन भी कुछ कारण है। फिर देखिए यहाँ पे हम नेचुरल एक्सटेंशन की बात करें तो ये कॉज होते हैं कई सारे फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग हो गई या क्लाइमेट चेंज हो गया, टेक्टोनिक एक्टिविटी वगैरह में चेंज हुआ, फिर इंक्रीज वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई, है ना, फिर आपका लेट ऑर्डोविशियन ग्लोबल ग्लेशिएशन हो गया या लेट क्रिटेशियस एक्सटेंशन, ये अज्यूम करा जाता है कि एसोसिएट हुआ था एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इम्पैक्ट की वजह से।
तो एक्सटेंशन जो होता है वर्ना वास्कुलर प्लांट में, वास्कुलर प्लांट में जो एक्सटेंशन होता है ये काफी ग्रेजुअल होता है, धीमे धीमे होता है अगर हम कंपेयर करें एनिमल के लॉस से तो, है ना। ये माना जाता है कि जो एक्सटेंशन होता है इस ग्रुप में वो इस वजह होता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है काफी एडवांस प्लांट फॉर्म की वजह से, या इस वजह से कि ग्रेजुअल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, इस वजह से भी काफी जो है एकदम से आपको ये कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट देखने को मिलेंगे। फिर देखिए यहाँ पे हम बात करें आर्टिफिशियल एक्सटेंशन की, तो इवन जो स्पीशीज एक्सटेंशन होता है वो नेचुरल प्रोसेस है, मतलब ये साथ ही साथ जो है वो बिना इंटरवेंशन के ह्यूमन की भी हो सकता है, आप समझ रहे हैं ना। मतलब स्पीशीज का जो एक्सटेंशन ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस की वजह से ही हो गया, है ना, और नेचुरल भी होता है, बट एक्सटेंशन जो ह्यूमंस के द्वारा होता है वो आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है नेचुरल एक्सटेंशन की कंपैरिजन में। स्पीशीज जो है वो थ्रेट इनको पहुंच रहा है, उनके एक्सटेंशन हो रहा है ह्यूमंस की वजह से, क्योंकि डायरेक्ट कॉजेस कुछ है जैसे हंटिंग कर ली, कलेक्शन या कैप्चर कर लिया या परसुएशन कर लिया, है ना। और इनडायरेक्ट कॉजेस क्या है, जैसे कि हैबिटेट उनका लॉस हो गया, आपने डिफोरेस्टेशन करा, आपने यहाँ से जो है वो पेड़ों को जो है वो काटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्पीशी कहाँ जाएंगे, उनका लॉस हो गया। मॉडिफिकेशन या फ्रेगमेंटेशन इंट्रोडक्शन जो नए इन्वेसिव स्पीशी का हुआ, वो लोग आपस में रह नहीं पाए, उन लोगों ने पीट पाट के मार डाला, ठीक है। तो ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं। देखिए आप कुछ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें, तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखिए क्या होता है, ये रिफर करता है इंटरेक्शन वाइल्ड एनिमल और लोगों के बीच का, और रिजल्टेंट नेगेटिव इंपैक्ट ऑन पीपल और देयर रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ एनिमल और देयर हैबिटेट। मतलब क्या हुआ, इंसान और एनिमल मिले और उसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ, या नेगेटिव इंपैक्ट हुआ पीपल पे, या उनके रिसोर्सेज पे, या वाइल्ड लाइफ पे, या उनके हैबिटेट पे, किसी ना किसी पे नेगेटिव इंपैक्ट जरूर हुआ। ये होता है जब वाइल्ड लाइफ को है जरूरत हो, जब वाइल्ड लाइफ नीड्स ओवरलैप विद दोज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन क्रिएटिंग कॉज टू रेजिडेंट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। जब मान लीजिए कि वाइल्ड लाइफ जो है जब ओवरलैप कर देती है ह्यूमन पॉपुलेशन से, और इस वजह से कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है उसके रेसिडेंट्स पे या वाइल्ड एनिमल्स पे। अच्छा कॉजेस देखिए, कॉजेस देखिए, तो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन ग्रोथ इसका बहुत बड़ा कॉजेस है, लैंड यूज ट्रांसफॉर्मेशन फिर स्पीशीज हैबिटेट लॉस डिग्रेडेशन और फ्रेगमेंटेशन, फिर इंक्रीज जो हो रहा है लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में और कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन में वाइल्ड लाइफ हर्बीवोर्स की, फिर ग्रोइंग जो इंटरेस्ट है इको टूरिज्म का, या इंक्रीज जो हो रहा है एक्सेस नेचुरल रिजर्व वगैरह का, अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन वाइल्ड प्रे का, फिर आपका क्लाइमेट फैक्टर्स हैं, स्टोकैस्टिक इवेंट्स वगैरह हैं जैसे फायर वगैरह हो गई, है ना, या वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो बढ़ी एज अ रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम की वजह से, है ना, कंजर्वेशन प्रोग्राम की वजह से जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन बढ़ी, ये सारे कॉजेस हैं। इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो क्रॉप डैमेज हो सकता है, लाइफ स्टॉक डिप्रिडेशन हो सकता है, लोगों को इंजरी पहुंच सकती है, ह्यूमन की लाइफ को लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकती है प्रॉपर्टी को, इंजरीज हो सकती है वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन की सॉरी एनिमल की डेथ हो सकती है, और डिस्ट्रक्शन हो सकता है हैबिटेट का। अगर हम कुछ बात करें प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज के बारे में, तो आर्टिफिशियल या नेचुरल बैरियर्स, चाहे वो फिजिकल हो या बायोलॉजिकल हो, उन वो आप कर सकते हो, बैरियर लगा सकते हो, गार्ड कर सकते हो आप, और अल्टरनेटिव हाई कॉस्ट लाइफ स्टॉक हस्बेंड्री प्रैक्टिस भी फॉलो कर सकते हो, रिलोकेशन आप कर सकते हो, वॉलेंटरी ह्यूमन पॉपुलेशन का रिसेटलमेंट भी कर सकते हो, अपनी मर्जी से उनका रिसेटलमेंट करवा सकते हो, फिर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ का एक्सेस टू रिफ्यूज, है ना, अच्छा आप इसको जो है वो रिफ्यूज कर सकते हो। अब मिटिगेटिव स्ट्रेटजीज की अगर हम बात करें, तो कंपनसेशन सिस्टम, इंश्योरेंस प्रोग्राम, इंसेंटिव प्रोग्राम, कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट स्कीम, रेगुलेटेड हार्वेस्ट, इंक्रीज ऑल्टरनेट क्रॉप प्रेज एंड वाटर पॉइंट्स, वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन, कंजर्वेशन एजुकेशन फॉर लोकल पॉपुलेशन, और बेटर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी आपकी मिटिगेटिव स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। तो यहीं पे हमारा ये लेसन भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज शेयर योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई वीडियोज ओनली फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वेरी नाइस डे।